अरे राधा, विमला, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? माँ के पैर में गहरी चोट आई है, उसी के उपचार के लिए जंगल से जड़ी बूटी लाने जा रहे हैं। राधा विमला को गए अरसा हो गया, अब तक तो उन्हें लौट आना चाहिए था। हाँ बलदाऊ, मुझे भी उनकी कुछ चिंता हो रही है। कान्हा, क्या तुम ये आवाज सुन रहे हो? वहाँ उन वृक्षों के बीच से आ रही है। चलो चले देखते हैं। अरे राधा, विमला, हम कब से तुम्हें खोज रहे हैं? हम दोनों वन में बहुत आगे निकल आए और वापस जाने का रास्ता भूल गए। अच्छा अच्छा, चलो अब हमें तुरंत ही गांव के लिए प्रस्थान करना चाहिए। परंतु पहले हमारे साथ आओ, हम तुम्हें एक बहुत अद्भुत चीज दिखाना चाहते हैं। अच्छा, तो ये है तुम यक्षिणियों की छुपने की गुफा। मूर्ख बालक, तुम जानते हुए भी हमारे साथ यहाँ तक आ गए। नजर डालो, कितना सुंदर मोर है। और वो भी सुनहरा। चलो इसे पकड़ते हैं। चलो देखते हैं पहले पंख कौन लाता है। जाने दे। पहले मैंने उठाया। नहीं, पहले मैंने उठाया था। देखो, इसका फैसला बाद में कर लेंगे, पहले यहाँ से बाहर निकल चलो। देखो उस ओर एक रास्ता है, चलो।
कौन हो तुम? माधो, इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? तीन बार गिनती कर ली, एक कम है। तेरी नई गैया तो बड़ी चंचल है, हर रोज वन की ओर भाग जाती है। जल्दी चलो उधो, इससे पहले कि वो बहुत दूर भाग जाए। देख तो उधो, कितना सुंदर और शाही घोड़ा है। घोड़ा छोड़ माधो, अपनी गायों को ढूंढ। गायों को, गायियां तो मिल ही जाएगी, मुझे तो ये घोड़ा भी चाहिए। आसपास भी कोई नहीं है, लगता है ये घोड़ा किसी का नहीं है, मतलब अब हम इसकी सवारी कर लेते हैं। चलो। तुम गांव वालों की इतनी जुर्रत कि तुमने कुरु नरेश के आशु को रोका? सैनिकों, इन दो बालकों को तुरंत बंदी बना लो। वहीं ठहर जाओ। तुम हमारे मित्रों को बंदी नहीं बना सकते। लो, दो और ग्वाले आ गए। ये अश्व हमारी भूमि से होकर आगे नहीं बढ़ेगा। तो क्या तुम ग्वाले उसे रोकोगे? सैनिकों, संदेश दे दो कि उनका अश्व वृंदावन की धरती से नहीं गुजरेगा और हम ग्वाले उनकी सत्ता कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। चिंतामणि का निर्माण स्वयं श्री ब्रह्मा ने किया था, उसके सामने हमारी शक्ति निर्बल है। नारायण नारायण, अब तो मुझे केवल एक ही उपाय सूझ रहा है, श्री कृष्ण और बलराम। तो पहरेदार तैनात हैं। हाँ बलदाऊ, परंतु हमें इनकी नजर में आए बिना चुपचाप उस दानव तक पहुंचना होगा, वरना वो सतर्क हो जाएगा। अरे, कौन है? तुझे तो मैं अभी
देवों के बगीचे में तो हीरे पत्थरों की तरह गिरे पड़े हैं। एक और इतना बड़ा और इतना सुंदर हीरा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा और ना ही कभी सुना। इसे मढ़वा कर मैं अपने लिए विश्व का सबसे सुंदर मुकुट बनाऊंगा। भोजन साथ रख लो। मुझे कुछ चिंता सी हो रही है। ताल सरोवर वृंदावन से बहुत दूर है। दूर कहाँ मैया, कल सांझ तक तो हम लौट भी आएंगे। सुना है ताल सरोवर ऐसा एकमात्र सरोवर है जहाँ एक ओर से ठंडा शीतल जल बहता है और दूसरी ओर धरती से गर्म पानी का चश्मा निकलता है। हाँ, और पानी भी इतना गर्म कि लोग उसमें भात तक पका लेते हैं। पर कहीं सुनी नहीं, मैं तो खुद परख कर देखूंगा कि ऐसा होगा कि नहीं। वहाँ कितने बेर लगे हैं। Thank you.
बनेगा। चल। परंतु ये दैत्य आप पर यूं वार क्यों कर रहे थे? वो इसलिए कि मैं उनका पीछा कर रहा था। उन दैत्यों और उनके साथियों को अश्विन देवों का हरण करने से रोकने का यत्न कर रहा था। कृपया हमें विस्तार से बताइए। कुछ समय पहले दैत्यों ने छल से देवों पर आक्रमण बोल दिया। दैत्यों और देवों के युद्ध में देवों के अस्त्रों से बहुत दैत्य घायल होते गए और आखिरकार दैत्य जान बचाने के लिए युद्ध छोड़ भाग खड़े हुए। उन तीनों दैत्यों ने मुझे घेर लिया और उनके साथी अश्विन देवों और उनके रथ का हरण करके निकल भागे। देखो वहाँ एक अनोखा उजाला सा फैला है, जरूर वो अश्विन देवों का ही तेज है। सावधान अश्विन देवो, हमें और क्रोधित न करो। इतना स्मरण रहे कि तुम यहाँ हमारे बंदी हो। श्री कृष्ण बलराम, आपकी सहायता के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। उसे गेंद खेलते हैं। तुम दोनों की निपुणता तो हम सब भली भांति जानते हैं। ऐसे तो हम सदैव हारते ही जाएंगे। हाँ, तुम दोनों आंखें बंद करके खेलो तब जाने।
आपको पहले इतना व्याकुल कभी नहीं देखा देव। क्या कोई भयानक असुर इंद्रलोक की शांति भंग कर रहा है? नहीं श्री कृष्ण, समस्या उसे कहीं ज्यादा गंभीर है। हमारे हाथों एक बहुत बड़ा अन्याय हो गया है। आज ही प्रातः हमें पता चला कि वास्तव में वो हार हमारे महल की एक अप्सरा ने उठाया था। फिर तो सैनिक चारु व्रत के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ इंद्रदेव। आपको उसे तुरंत ही कारागार से वापस बुला लेना चाहिए। वही तो हमारी दुविधा है। इंद्रलोक का कारागार वास्तव में बस एक मायावी अंतराल है, जहाँ न कोई पहरा है, न ही कोई दीवारें या फाटक। आप हमें अनुमति दीजिए इंद्रदेव, कारागार में मैं और बलदाऊ जाएंगे। सैनिक चारु व्रत कहाँ हैं आप? सैनिक चारु व्रत, हम आपको यहाँ से वापस इंद्रलोक ले जाने आए हैं। ऐसा कैसे संभव है? अवश्य संभव है, बस भय मुक्त हो, कदम बढ़ाओ। मुझे यहाँ किसने बुलाया? भय को निकाल दो सैनिक चारुव्रत, फिर ये सब बाधाएं स्वयं ही तुम्हारे रास्ते से हट जाएंगी। प्रति हुए अन्याय के लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। मैं आभारी हूं देव कि आपने मुझे अपनी सेवा का एक और अवसर प्रदान किया। उच्छी श्रेवा, श्री कृष्ण और बलराम को बादलों के बीच सैर करा के वृंदावन वापिस छोड़कर आओ। सांझ से पहले हमारी गायों के लिए ये छप्पर तैयार हो जाएगा। लकड़ियों की कुछ और जरूरत पड़ेगी। चल काना, हम वन से तनिक और लकड़ी ले आए। ये तो हमारी ओर ही आ रहा है।
पवित्र जीव है। ये तो वही दानव है जो पहले भाग खड़ा हुआ था। तो मायावी शक्तियों के साथ लौटा था।